हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्मिता फूड एंड फैशन आज यहाँ पर मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूरी बनाया है और छोले बनाए हैं तो ये रेसिपी मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आती है तो ये जब मैं बना रही थी तो मैंने सूट कर लिया और मैंने सोचा आपके साथ ये पूरी की रेसिपी शेयर करूं तो ये जो पूरी है बहुत ही डिफरेंट है आप इसको सफ़र में भी लेके जा सकते हैं और आप इसको बिना ही सब्जी के साथ खा सकते हैं और ये दो दिनों तक ये पूरी खराब नहीं होती है तो अब आइए इसकी रेसिपी देखते हैं और रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें तो ये देखिए ये मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है तो आप इसको सलाद के साथ खाएं इसको दही के साथ खाएं या फिर इसको चटनी के साथ खाएं ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है और छोले भी मैंने फटाफट फट से बना के तैयार कर लिया है और बहुत इजी तरीके से बनाया है तो देखिए एक पूरी जो है उसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है तो ये पूरी जो है वो मैंने सूजी से बनाया है और इसमें आटा बहुत कम ही यूज़ किया है तो अब आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं तो ये देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि रात भर छोले को मैंने भीगने के लिए रख दिया था और दो कटोरी के बराबर मैंने छोले लिया है तो इसी के अनुसार आपको मैं इसकी इसका रेशियो बताऊंगी और एक, एक लीटर करीब मैंने यहाँ पर इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ जब भी मैं छोले बॉयल करती हूँ इससे क्या होता है कि हमारा जो कुकर है वो गंदा नहीं होता है और वंश वन पिंच के बराबर मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है इससे छोले काफ़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं तो एक मैंने कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला है तो ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसमें मैंने जीरा डाला है उसके बाद उसके क्रैकर होने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक कटा हुआ तीन अनियन लिया है जिसको इस तरीके से चॉप करके डाल दिया है आप अनियन को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं जब अनियन जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नमक डालेंगे तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर डेढ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने नमक लिया है उसके बाद एक टेबल स्पून भर कर मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है उसके बाद धनिया पाउडर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है तो वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद ये सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे हम तो जब ये मसाले बिल्कुल अनियन में जो हैं वो कोट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे छोले मसाले लिए हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इन मसालों के साथ में उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पर तीन टमाटर लिया है उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इस टमाटर में मैंने वन इंच के बराबर मैंने अदरक लिया है और एक पूरा गार्लिक लिया है तो उसको भी इसके साथ में हम पीस लेंगे इसको मैं पीस के ही डालती हूँ ज़्यादातर ग्राइंड करके ही डालती हूँ तो इसे इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी बनती है मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो लास्ट में उसके बाद फिर मैंने क्या किया, किया कि हल्दी डाल दिया आप स्टार्ट में ही डाल दें अब इन मसालों को ऑयल सेपरेट होने तक बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे अब आइए पूरी जो पूरी है वो मैंने सूजी से बनाया है मैंने पहले भी बताया था तो एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पर सूजी लिया है उसके बाद डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है तो पानी बिल्कुल गरम होना चाहिए तो गरम पानी से सूजी काफ़ी जल्दी फूल जाती है इसीलिए मैंने यहाँ पे गरम पानी मिला है और थोड़ा सा सॉफ्ट बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है तो इसीलिए इसको मैं हाथ से नहीं मिला रही हूँ मतलब इतना गर्म पानी है कि मैं अभी हाथ से टच नहीं कर सकती हूँ उसके बाद इसको मैंने चम्मच से इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला दिया है ये देखिए एक जगह बस इकट्ठा कर दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे दो पोटैटो लिए हैं तो मैं हमेशा ही पोटैटो बॉईल करके फ्रिज के अंदर रखती हूँ तो मतलब एक दो दिन के लिए ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा दिन के लिए पोटैटो को नहीं रखना चाहिए फ्रिज में तो इसको इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से कद्दूकस कर लिया है ताकि ये लम्ब फ्री हो जाए तो लम्ब फ्री हो जाएगा ये उसके बाद ये देखिए और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इससे आपकी पूरी फूलेगी नहीं अब उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मसाले में मैंने यहाँ पर हल्दी डाला है वन टेबल स्पून उसके बाद आजवाइन लिया है काला नमक लिया है और उसके बाद रेड चिल्ली लिया है तो रेड चिल्ली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें उसके बाद मैंने एक चम्मच भर के पूरा चाट मसाला लिया है आप चाट मसाले की जगह पे यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और आप कोई भी, भी मसाले खाते हैं तो वो इसमें मिला सकते हैं जैसे कि भुना जीरा धनिया ये सब आप इसमें मिला देंगे अच्छा लगेगा वो भी उसके बाद ये देखिए ये जो सूजी है उसने पूना पूरा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है अब हो गया उसके बाद इसको इस तरीके से मिलाने के बाद ये जो पोटैटो था मसाले वाला वो हम इसमें मिला देंगे इस जो हमारी सूजी है उसमें बढ़िया तरीके से मिला के थोड़ी देर तक के लिए इसको बढ़िया से ढक देंगे और उसके बाद फिर इसको मिलाएंगे देखिए ये इस तरीके से बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद थोड़ा सा ऑयल से मिला दें तो वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है ये देखिए तो एक कटोरी सूजी दो आलू और उसके बाद मैं यहाँ पर आधा कटोरी के बराबर मैं आटा ले रही हूँ बस एक अच्छा सा बाइंड आ जाए तो इस तरीके से आटा को मिलाया है ये देखिए और इसको एक बहुत अच्छा सा मतलब सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगा कर लेना है और थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको थोड़ी देर तक ढक देना है तो जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ना वैसा ही इसका भी आटा लगाना है इस तरीके से और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक देंगे ताकि ये सेट हो जाए जब तक आई देखे देखते हैं छोले तो छोले हमारे बहुत बढ़िया तरीके से बॉयल हो चुके हैं इसकी चार विसल मैंने लगाई है और इसमें जो बेकिंग सोडा डालते हैं इससे काफ़ी जल्दी वो सॉफ़्ट हो जाता है अब ये देखिए मसाले भी तब तक हमारे भून चुके हैं तो मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है तो आप चाहे तो छोले इसमें कढ़ाई में भी डाल सकते हैं पर मैं फटाफट से बना रही थी इसीलिए मैंने क्या किया कि ये जो मसाले हैं फिर से उसी कुकर में डाल दिया कुकर में डालने के बाद इसकी एक विसल लगा लेंगे इससे मसाले बहुत अच्छे बन जाते हैं पूरा अच्छे तरीके से मिल जाते हैं अब ये जो हमारा आटा है वो भी सेट हो गया एक बार फिर से इसको इस तरीके से उलट पलट के सॉफ़्ट कर लेंगे ये देखिए तो इसको मैंने बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लिया और जैसे पूरी का आटा लगा पूरी का आटा आप निकालते हो लोई बनाते हैं वैसे ही इसका भी छोटी छोटी सी लोई बनाने, बॉल्स बना ले और इस तरीके से देखिए इतना छोटा आप छोटा बड़ा आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं आप जितना बड़ा छोटा खाते हैं उसको उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना कि मैं सारी लोहिया बना लेती हूँ एक साथ उसके बाद मुझे पूरी बेलना बहुत ही आसान हो जाता है उसके बाद में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इस पूरी को बेल लेंगे हम तो भैया देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं अब थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे तो ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप इस पूरी को बनाएं क्योंकि ये पूरी नॉर्मल पूरी से सिकने में थोड़ा सा टाइम लेती है इस तरीके से इसको दबाते हुए इस पूरी को हम uh, इसको फुलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से पलटेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दबाते हुए करें तो ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बन के तैयार हुई है और यकीन मानिए कि जो हम मैदा वाला भटूरे खाते हैं उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और छोले के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है स्पेशली कभी कहीं जाना होता है ट्रेन में या फिर सफ़र में तो मैं ये पूड़ियाँ बना लेती हूँ मतलब इसके साथ कोई भी सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं है तो ये देखिए हमारे छोले भी तैयार हो गए हैं तो भाई इसको सर्व करते हैं तो काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये छोले बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको भटूरे के साथ भी खा सकते हैं तो लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिए ताकि मैं अच्छी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर